कैसे हैं आप लोग? और 100 बंदे हो चुके हैं और गेम स्टार्ट हो रहा है अभी। और यस, अभी हम लोग गेम पे ध्यान देंगे। और दो ही बंदे खेल रहे हैं एक स्क्वाड में से, और टोटल 99 कैसे हुआ ये देखना पड़ेगा। बाकी ये स्क्वाड पे हम लोगों को दो ही बंदे दिख रहे हैं। गिली के साथ एक ही बंदा है, आज डिफॉल्टर खेल रहा है। और नहीं, चार बंदे हैं, पर यहाँ पे मेरे ग्लिच है कि क्या है पता नहीं। यूनिक किलर और वैनम गॉड भी उनके साथ खेल रहे हैं। तो प्लेन पर जा रहा है आज जॉर्जोपोल से लेके नोवो रिपनोए की तरफ। तो यस, जॉर्जोपोल में भी जाना है, इजीली रहेगा। और सारी मोस्टली जहाँ जहाँ पे बंदे जा सकते हैं वहाँ पे इजीली पहुँच पाएंगे। यस ना, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बाकी देखना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे बंदे जाते हैं। यस, पहले नंबर की स्क्वाड हो चुकी है फुल। आज भी थोड़ी सर्दी है, पर मेन गाइस अपना आज वाईफाई बंद हो चुका है, तो इसकी वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है। पर ये मैं पूरा वीडियो डालने वाला हूँ ये गेम के बाद। तो लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कल से अपना स्लॉट वाइज चालू होने वाला है गेम, तो उसके लिए भी आ जाइएगा। आज भी मेरे को कोल्ड हो चुका है, तो थोड़ा आवाज़ ऐसा रहेगा, और मेरे ख्याल से माइक में डिस्टरबेंस भी थोड़ा रहेगा, बट फिर भी ट्राई करूँगा कि वो कम हो। और काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे पोचिंग की तरफ उतरते हुए पोचिंग की तरफ से जा रहे, बट पोचिंग के में नहीं उतरे। और ये मौत का स्क्वाड भी पोचिंग की से दूर जा रहा है। गुटका शेक्सपियर के बंदे उतर चुके हैं, वो भी आगे जा रहे हैं। तो पोचिंग की में आज एक भी स्क्वाड नहीं गया है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि पोचिंग के में आज से 9 स्क्वाड थी और आज एक भी स्क्वाड नहीं। तो मेरे ख्याल से इसमें इसी में से काफ़ी बंदे होंगे जो पोचिंग के में पहले उतरे थे और मर चुके होंगे, इसके लिए आज रिस्क नहीं लिया है उन्होंने पोचिंग की जाने का। और देख रहे हैं हम लोगों को एक भी स्क्वाड पोचिंग की में नहीं गई। तो बाकी देखते हैं, अभी 19 नंबर की स्क्वाड रोजॉक की तरफ जाएगी। रोजॉक में मेरे ख्याल से एक अच्छा फाइट होगा, और रोजॉक में हमेशा मेरे को देखने को मिला है कि बहुत सारी स्क्वाड जाती है वहाँ पे। मुझे मालूम नहीं है, मेरे को मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि रोजॉक में हमेशा कोई लूट ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती। फिर भी इतनी 3 स्क्वाड आने का, और सबको गन मिलेगा या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे नमो 47 को एक पिस्टल मिल चुकी है, तो पिस्टल से क्या कमाल दिखा पाएंगे या और कोई गन मिलेगी और उससे कमाल दिखाएंगे वो तो देखना पड़ेगा। और रावण की स्क्वाड भी पूरी पीछे ही है, और बीच में 19 नंबर की स्क्वाड है, पीछे उनके 7 नंबर की स्क्वाड, और एक तरफ 24 नंबर की स्क्वाड। मौत अभी को यहाँ पे उजी मिल चुके, और कार्नेटिकेट का एक शॉट हमको देखने को मिला। मेरे ख्याल से 24 नंबर के एक बंदे में से किसी के पास कार्नेटिकेट है, तो देखना पड़ेगा कोई कार्नेटिकेट यहाँ पे चला रहा है कि। यस, M24 था, और TD स्कर्ज यहाँ पे चला रहे हैं M24। तो क्या, और विथ रेड डॉट, तो किसी को नॉक कर पाएंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा। रेड डॉट से मारना थोड़ा मुश्किल तो रहेगा। क्या है इनका एम इतना परफेक्ट रहेगा कि एक बंदे को नॉक कर पाए? यहाँ पे ब्लेड स्प्रे गॉड ने एक बंदे को नॉक कर दिया है, और वो देखना पड़ेगा कि वो फाइट कहाँ पे हो रही है। ब्लेड के बंदे मेरे को मैप में अभी तो नहीं दिख रहे हैं, फिर भी देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे हो सकते हैं क्या। और काफ़ी कम HP है, तो ओवरऑल में देख लेते हैं कि ब्लेड के बंदे कहाँ पे हैं, और उनका फाइट चालू हो चुका है तो फिर देखना पड़ेगा। यस, ब्लेड के बंदे मेरे को दो बंदे इधर दिख रहे हैं, और ये फाइट हुई थी नो रेपनोए में। तो सामने बंदे मौत अभी ने चॉकलेटी किन को नॉक कर दिया है, SK ने ध्रुव को नॉक कर दिया है। तो
तो फाइट चालू हो चुकी है एक रोजॉक में भी, और यहाँ वहाँ पे भी टीम यूटीएस एसओपी ने लीजेंड सूरज को नॉक कर दिया। एसके भी नॉक हो चुके हैं, तो ये फाइट भी नो रेपनोए में मेरे ख्याल से हो रही है। आरआरबी ऑगी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, हिकअप नॉक हो चुके हैं, ऑगी को पूरा फिनिश कर दिया गया है, और श्राउड भी नॉक हो चुके हैं, हिकअप वहाँ पे फिनिश हो चुके, टॉक्सी भी नॉक है, और सामने बंदा है और लूट रहे थे, पर टीम यूटीजेड सोप का यहाँ पे बहुत ही अच्छा कवर फायर, और उसकी वजह से नॉक करने में कामयाब रहे। और उनके सामने 9 नंबर की स्क्वाड का एक बंदा है, भूदेव ने यहाँ पे टोरेटो को नॉक कर दिया है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे फाइट हो रही है भूदेव की। तो भूदेव ने एक और बंदे को यहाँ पे नेड़ से मार दिया है, पर ये बंदे कहाँ पे लड़ रहे हैं मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ओपन करके देखना पड़ेगा कि ये ओपीएस की स्क्वाड इधर है, भूदेव की स्क्वाड पर कहाँ पे गई है आज। जस्ट नाइट्रो की स्क्वाड यहाँ पे थी, तो नाइट्रो नॉक हो चुके थे भूदेव की तरफ से, शैडो में उनको रिवाइव दे रहा है, और भूदेव की स्क्वाड भी इधर ही है, भूदेव यहाँ पे सो रहा है, और सामने ब्लड शॉट को यहाँ पे स्पॉट कर पाते, यानी ब्लड शॉट ओपन होके यहाँ पे टैप शॉट दे रहा है M1 के, पर यहाँ पे नहीं लगा गोली, और ब्लड शॉट पर भी नॉक हो चुके हैं। उनके सामने नाइट्रो और शैडो दो बंदे बाकी है, आरके को यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा भूदेव के द्वारा, पर उसी तरफ सामने भी बंदे रिवाइव भी हो रहे हैं, शेडो मिट और मार्टिन और स्काई बॉय ने यहाँ पे नाइट्रो को फिनिश करके पूरा स्क्वाड को ख़त्म कर दिया है। तो 4 किल मिल चुके हैं ये टीम को, और रिवाइव भी मिल चुका है आरके को, और सीधा जाएंगे हम लोग दूसरी स्क्वाड दूसरी फाइट पे। तो ध्रुव ने यहाँ पे एसके को फिनिश कर दिया है, और नमो ने भी श्याम क्रेटो ओपी क्रेट ओपी को यहाँ पे नॉक कर दिया था, गब्बर ने एक बंदे को नॉक कर दिया है, और गब्बर ने चॉकलेटी कीन को भी नॉक कर दिया है, टीडी गब्बर यहाँ पे नॉक होते हुए लोन वुल्फ के द्वारा। तो यहाँ पे पूरी स्क्वाड मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाली है, पर ये फाइट अभी तक हमको कहाँ पे दिख रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी एक साथ फाइट हो रही है, और बंदे इतने छोटे मैप में सबको देख पाना थोड़ा मुश्किल भी है, और एक यहाँ पे फ्लैट ड्रॉप मंगाया हुआ है, तो पहले देखेंगे कि फ्लैट ड्रॉप में क्या था, पर अभी तक तो हमको सिर्फ मिलिट्री बेस्ड 3 दिख रहा है, बाकी बंदे लूट के चले गए तो पता नहीं चल रहा है मेरे ख्याल से, या फिर पबजी वाले आपको दिखाना नहीं चाहते वो भी पता नहीं है। तो अभी जाएंगे दूसरी फाइट पे, यहाँ पे एक फाइट हो रही थी वो ख़त्म हुई है या नहीं वो देखना पड़ेगा। नहीं, 24 नंबर की और 19 नंबर की यहाँ पे फाइट है, और रिवाइव मिल चुका है SYM क्रेट क्रोट ओपी को, और उनके ऊपर 4 बंदे हैं, तो देखना पड़ेगा कि वो फाइट कैसे लेते हैं। यहाँ पे चारों बंदे यहाँ पे रुक के बैठे, और वहाँ से नीचे से आने का ट्राई किया था पर नहीं आ पाए, और 4v2 की यहाँ पे फाइट होने वाली है रोजॉक की, जिसमें कैसे ब्रूमी ने यहाँ पे एचआर अमीन को नॉक कर दिया है, एचआर अमीन फिनिश होते हुए ब्रूमी के द्वारा, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे डीपी का यूज अपने को दिखने को मिला है, क्योंकि 47 एमओ होती है डीपी में, और 47 की 47 मेरे ख्याल से डाल दिया है एचआर अमीन के अंदर, तो वो नॉक भी हो गए और फिनिश भी हो चुके। तो अभी देखते हैं आगे फाइट कैसे होने वाली है। और बस यही फाइट का वेट हम लोग कर रहे थे, ऊपर के कैसे खेलता है ये बंदे, ऊपर जाने ऊपर 4 बंदे और ये 2 बंदे हैं, फिर भी अभी तक तो बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है स्कर्ज ने, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, और बंदे को थोड़ा सा तो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या करने वाले हैं, और सीधा घुस चुके हैं, और 4-3 बंदे के बीच में
और उनके दूसरे बंदे ने यहाँ पे मारने का ट्राई किया था और फिर से नीचे चले गए। तीन बंदे यहाँ पे नॉक कर दिए और एक अकेला बंदा, उनका एचपी बहुत ही कम है और जाना पड़ेगा उनको सामने पर। यहाँ पे मार पाएगा या नहीं, उसी के द्वारा तो नहीं मार पाया, गन चेंज किया, स्विफ्ट किया और एम वन में आ चुके और बाद में एक गोली से यहाँ पे मार दिया। और सेम क्रेड ओपी यहाँ पे हीरो बनते हुए अपनी स्क्वाड की तरफ से और चार किल मिल चुके हैं इनको। बिटवेल अजाज ने स्वाट GG06 को भी मार दिया, थंडर जैसे यहाँ पे नॉक और फिनिश होते हुए दूसरी स्क्वाड के द्वारा। तो वो फाइट कहाँ पे होती हुई, एक यशनाया में अपनी एक फाइट चालू है तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे सीधा। तो दो बंदे बचे हैं तीन नंबर के स्क्वाड के, डोमिनिक और NG18 को भी यहाँ से खेलना पड़ेगा, अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा और अपनी टीम को बहुत ही अच्छी पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा। टॉप फाइव में पहुँचा पाएंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा, पर यहाँ पे अपना पिंग थोड़ा हाई हो रहा है तो मेरे ख्याल से बंदों को भी वो प्रॉब्लम होने वाली होगी। तो आज प्लीज़ अपना वाईफाई नहीं चालू है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, मेरे ख्याल से कल मेरे ख्याल वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और प्रतीक पीछा कर रहे हैं यहाँ पे डोमिनिक का, तो और डोमिनिक पे शॉट्स लिया था कि नहीं वो तो पता नहीं, पर अभी तो पीछे जा रहे हैं डोमिनिक के, नहीं डोमिनिक के पीछे नहीं जा रहे पर दूसरी अच्छी जगह पे जा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे 17 नंबर की स्क्वाड है और एक बंदा उनका फंसा हुआ है। जेंडर ने यहाँ पे शायद अनवर को यहाँ पे नॉक कर दिया है, तो 11 नंबर की स्क्वाड का वो बंदा अभी नॉक हो चुका है। तो अभी पूरा दारो मदार आता हुआ प्रतीक और एजाज के ऊपर, अभी प्रतीक और एजाज कैसा खेलते हैं वो देखना पड़ेगा। और रेड बिल्डिंग में यहाँ पे प्रिजन जो बोला जाता है वो बिल्डिंग में चार बंदे चढ़ चुके हैं तो वहाँ पे पुश करना बहुत ही मुश्किल रहेगा ब्रूमी की स्क्वाड के ऊपर। तो प्रतीक मेरे ख्याल से यहाँ से फॉल बैक करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि डोमिनिक की स्क्वाड ने फॉल बैक किया था, उनको गाड़ी मिल चुका है और वो जा रहे हैं सीधा जोन के अंदर पूरा घूम के। तो ये अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से OPS डोमिनिक और NG18 का कि पहले जोन को प्रायोरिटाइज करेंगे, प्रतीक यहाँ पे गाड़ी को ढूंढेंगे मैं और फिर जाएंगे सीधा जोन के अंदर। वहाँ पे पीरो ने नॉटिक गौरव को यहाँ पे नॉक कर दिया है, के बादशाह ने भी खड्डू गेमर को नॉक कर दिया है। तो सीधा जाएंगे हम लोग वो फाइट पे और ये यहाँ पे भी एक फाइट होने का चांसेस है। तो यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है वो पता नहीं, पीरो कहाँ से खेल रहे हैं कौन सी स्क्वाड में से। और जस ब्रिज ब्लॉक है यहाँ पे ऑलरेडी और एरो टॉस जो कि कल के हीरो थे उनको नॉक कर दिया है भूदेव ने। तो पहला ओपनिंग मिल गया है एरोटोस को, तो पूरा फिनिश करेंगे वो पक्का था क्योंकि कल के जो हीरो थे 18 किल के साथ एरोटोस आज जल्दी मर चुके हैं। अभी इनकी स्क्वाड को उनके बिना ही खेलना पड़ेगा, सामने चार तीन बंदे हैं और यहाँ पे चार बंदे, तो 4v3 की ये फाइट। और दर्श शुभम आज कैसा खेलेंगे, आर बादशाह ने इरफान को नेड से नॉक कर दिया है तो ग्रेनेडियर के लिस्ट में भी आ चुके हैं दर्श शुभ। डॉक्टर शुभम यहाँ पे अच्छी पोजीशन ले रहे हैं और उनके पास है 3x के साथ M416 और बुधे को स्पॉट किया था मेरे ख्याल से। तो बीरो ने भी यहाँ पे नॉटी गौरव एम को नॉक और फिनिश डाल दिया है और के बादशाह ने अल्फा डीजे को नॉक कर दिया है। मार्टिन पे काफ़ी शॉट्स लगे और मार्टिन की हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है। पनीशन ने एक बंदे को नॉक कर दिया था नेड से, तो हम लोग जाएंगे दूसरी फाइट में। भी काफ़ी सारे बंदे जोन के बाहर से अंदर आ चुके हैं, जोन बन चुका है तो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एयर ड्रॉप है और उसमें क्या निकला है वो अपने को अभी तो पता नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। पीरो के बंदे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एक फाइट हो रही थी और अल्फा डीजे और उनकी स्क्वाड को ख़त्म कर दिया है। तो ब्रो रक ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया था, तो जाएंगे हम लोग दूसरी एक स्क्वाड पे। एक मार्टिन के पास यहाँ पे एक एयर ड्रॉप आता हुआ, तो उसमें AWM है और M249 और उसमें से AWM तो मेरे ख्याल से मार्टिन उठाने वाले हैं। कल M24 से क्या शॉट्स लगाए थे मार्टिन ने, चार या पांच बंदे को नॉक कर दिया था और उनके साथ ATX भी मिल चुका है उनको, तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए भी। M249 देखना पड़ेगा बुधे उठाएंगे, स्काईबॉय उठाएंगे या फिर RKOP। और बाद में ये एक अच्छा गेम प्ले होने वाला है, तो सामने से शॉट्स आते हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा, लूट पाते हैं या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। 5 नंबर की स्क्वाड, तो यस रोड के बीचों बीच है एयर ड्रॉप और उनको लेने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होने वाला है। बुधे एक अच्छी जगह पे है पर उनके पास है M1 विथ 2x और टैप शॉट्स यहाँ पे सूरज सिंह के ऊपर लिया है,
पर नॉक कर पाएगा और बहुत ही अच्छा शॉट गुदेव ने कर दिया है टैप शॉट के द्वारा। यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया था, 2x था उनके पास और मेरे ख्याल से गायरो का थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता हुआ उसकी वजह से एम थोड़ा ऊपर चला गया है। तो दूसरे बंदे ने एक और बंदे ने नॉक कर दिया था, दो बंदे वहाँ पे नॉक हो चुके हैं और मेरे ख्याल से पुश होता हुआ उनके ऊपर बाय RKOP। तो RKOP को अभी तक एक भी किल नहीं मिला है, तो मेरे ख्याल से वो इसी रीज़न से आगे गए किल के लिए और देखते हैं। और एक बंदे को नॉक कर दिया है, सूरज सिंह वहाँ पे सोए हुए हैं तो देखना पड़ेगा, उनको स्पॉट कर लिया और पूरी स्क्वाड का यहाँ पे ख़त्म कर दिया RKOP ने। तो बहुत ही अच्छा गेम प्ले अभी तक देखने को मिला है ये 5 नंबर के स्क्वाड के सामने से। XQF पैरा बॉय OP यहाँ पे एक बंदा हमको दिख रहा है, उनको अभी तक RKOP ने ड्रॉप मेरे ख्याल से नहीं लूटा है, तो वो भी पहले उनको लूटना पड़ेगा और दूसरी यहाँ पे फाइट पे जाएंगे। यहाँ पे बंदे आजू बाजू में दिख रहे हैं तो यस, एंड इंडियन श्राउड कैसे खेलते हैं वो देखना पड़ेगा। 4 बंदे उनके सामने से जा रहे हैं पर अभी इंडियन श्राउड जो बच्चे है अपने एक दोस्त के साथ, तो वो अभी शॉट्स नहीं ले रहे हैं दूसरी स्क्वाड पे। और उनके जो दूसरे बंदे यहाँ पे पीछे वो गाड़ी लेके आते जा रहे हैं अपने बंदे को उठाने के लिए। और रॉनी कैप्टन ने B12 मोनो को नॉक कर दिया है, तो RKOP ने भी एक बंदे को नॉक कर दिया है। फिर से हम लोग जाएंगे सीधा ये स्क्वाड पे क्योंकि यहाँ पे पता है हमको कि ये बंदे कहाँ है, बाकी बंदे तो वो अपने को कभी कभी मैप में भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है, कहाँ पे फाइट हो रहा है, तो वो देखेंगे जैसे ही अपने को पता चलेगा दूसरी फाइट पे जाएंगे। पर यहाँ पे बस ये भी फाइट नहीं हो रहा है और यहाँ किली की स्क्वाड का फाइट यहाँ पे हो सकता है, आजू बाजू उनके भी कोई बंदे नहीं है तो क्लोज में जाएंगे थोड़ा। और यस उनके बंदे एक्वास प्रतीक के नज़दीक तो है ही, तो 11 नंबर की स्क्वाड वहाँ से पीछे से निकल चुकी है रेड जोन के ऊपर बनता हुआ। क्या रेड जोन से कोई बंदा नॉक होता है कि नहीं, पीछे से SYM क्रेड OP आ रहा है तो वो देखना पड़ेगा कि क्या अभी करते हैं। सीधा रशिन कर रहे हैं उनकी तरफ, अकेले बंदे बाकी है अपने टीम की तरफ से जिन्होंने 4 किल निकाले थे ऑलरेडी और वहाँ पे फाइट चालू हो चुकी है। 1 नंबर की स्क्वाड यहाँ पे किसी के ऊपर शॉट्स ले रही है और क्रेडल ने एक बंदे को नॉक कर दिया है, तो अभी देखना पड़ेगा आगे कैसे फाइट होती है। किलर अंकित ने गिली को नॉक कर दिया, गिली फिनिश होते हुए किलर अंकित की तरफ ORC के बंदे की तरफ से। तो एक्वास प्रतीक ने भी एक बंदे को नॉक कर दिया है, तो जाएंगे सीधा एक्वास प्रतीक के ऊपर हम लोग। और यहाँ पे एक्वास प्रतीक लड़ रहे और लॉन्ग रेंज मिड रेंज की यहाँ पे फाइट और बहुत ही अच्छा स्प्रे यहाँ पे M4 का। और जैक बाबा ने एक रॉयल दीपक को भी नॉक कर दिया है, तो हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे मैप और यहाँ पे ये फाइट हो रही है जो जॉन के एज में और कोई बंदा ऑल पे भी बात कर रहा है, तो देखना पड़ेगा कौन है, पता नहीं अपने को क्या ज़्यादा डिस्टर्ब करता है या नहीं करेगा वो तो देखना पड़ेगा। यस आवाज़ तो उनका आ रहा है पर ये लोग जॉन में और आके इनको निकलना है और सीधा रशिन मेरे ख्याल से कर रहे हैं, रशिन कर रहे हैं या साइड से निकल जाएंगे वो तो देखना पड़ेगा। तो दो बंदों का रश यहाँ पे आता हुआ 4 नंबर के स्क्वाड के ऊपर और थोड़ी HP कम भी हो चुकी है टीम UTZSOP नाम है इनका। तो हल्क यहाँ पे नॉक हो चुके हैं गाड़ी के द्वारा, तो वो भी देखना पड़ेगा। पर ये 2v4 का हम लोग फाइट देखना चाहेंगे कैसे खेलता है ये बंदा। मिथिक क्रेडल है उनके पास और दोनों बंदे एक ही जगह पे हैं, तो शायद एक नेड़ा है तो उसमें फट सकते थे, पर GSOP ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो अलग जाएंगे। ध्रुव ने बैटल किंग को यहाँ पे गाड़ी से कुचल दिया है, तो वो फाइट भी हो रही थी। और पीछे से रावण शॉट्स ले रहे थे और सैंडविच सिचुएशन में है अभी पूरे बंदे। तो काफ़ी सारी स्क्वाड यहाँ पे लड़ रही है, 21 नंबर की स्क्वाड है, 4 नंबर की स्क्वाड है, 25 नंबर की स्क्वाड भी यहाँ पे है, देखना पड़ेगा आके कैसा खेल दिए ये स्क्वाड। ध्रुव हर्ष टॉक्सी और रावण यहाँ पे खेल रहे हैं, 3 किल उनको पहले से मिल चुके हैं।
मीथिक क्रेडल ने एक बंदे को नॉक कर दिया था और अभी रश इन करने वाले है वो पक्का है। जी एस ओ पी ने भी एक बंदे को नॉक कर दिया है, तो हम लोग जी एस ओ पी के पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे। और एक ब्लैक बब अकेला बंदा है अपने टीम की तरफ से, क्या इनको नॉक कर पाएगा कि नहीं। जी एस ओ पी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, तो ब्लैक बम के ऊपर जाएंगे। ब्लैक बम ने यहाँ पे फिनिश भी कर दिया है, पर पीछे से मिथिक क्रेडल का फायर आता हुआ और ब्लैक बम वहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। पूरी स्क्वाड यहाँ पे खत्म हो चुकी है, पर अकेले बंदे बचे हैं फिर मिथिक क्रेडल। और दूसरी किलर एंटिक ने एक डिफॉल्टर को नॉक और फिनिश डाल दिया है, तो वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो फाइट होने वाली है। और गटका के ऊपर की साइड भी थोड़ी बसर मची हुई है, तो देखना पड़ेगा। 17 नंबर की स्क्वाड के ऊपर मेरे ख्याल से रश कर रहे हैं। ब्रूमी वहाँ पे नॉक हो चुके थे, अभी फिनिश भी डालेंगे। यस, ब्रूमी यहाँ पे फिनिश होते हुए आया नहीं मार्कोस की तरफ से, और उनके बंदे साइड में से निकल चुके हैं और हील के ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड फ्लैंक मार के जाएंगे या फिर शॉर्ट्स लेंगे यहाँ पे खड़े रह के, वो देखना पड़ेगा। और 17 नंबर की स्क्वाड ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो पहले शॉट्स लेंगे, फाइट लेंगे उनके साथ और फिर आगे जोन के लिए जाएंगे। पर जेंडर यहाँ पे क्लोज इन करते हुए और फिर से वापस आ चुके, तो ये मेरे ख्याल से गलत डिसीजन हो सकता था क्योंकि पूरा ओपन में यहाँ पे खेल रहे थे जेंडर। और आगे की स्क्वाड देखते हैं, बीच में एक एयर ड्रॉप आ चुका है और उसमें है MK14, जो क्लोज रेंज में भी चला सकते हो आप और लॉन्ग रेंज में भी टैप शॉट के द्वारा आप यूज़ कर सकते हो। विथ 8x भी आता है उसमें और लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट भी मिल रहा है और फुल मेडिक किट भी। तो देखना पड़ेगा कि ये ड्रॉप कौन उठाता है और कौन अच्छा यूज़ कर पाता है या नहीं। उसी तरह मौत के स्क्वाड के नज़दीक में है एक और स्क्वाड, 23 नंबर की स्क्वाड वहाँ पे दिख रही है और एयर ड्रॉप को हम लोग क्लोज करेंगे। आगे पैराबॉय ने एक बंदे को नॉक कर दिया है, पैराबॉय ने उटका शेक्सपियर को भी नॉक कर दिया है। तो पैराबॉय ओजी ने एक बंदे को नॉक कर दिया था, ओजी का एक बंदा, ओजी लायन का यहाँ पे मेरे ख्याल से वो फाइट हो रहा है। एक्सक्यूएफ पैराबॉय उटका शेक्सपियर को फिनिश कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे स्पेक्टेड में। क्रेडल यहाँ पे शॉट्स ले रहे हैं कार 98 का डॉक्टर शुभम के ऊपर, तो क्या नॉक कर पाएंगे या नहीं। प्रो आर्कनी जूनियर को यहाँ पे फिनिश कर दिया था डॉक्टर क्रेडल ने और 5 किल के साथ ये बंदा खेल रहा है, बहुत ही ओपी। और अभी जोन के लिए निकल जाएंगे। मौत डेविल ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया, अभिमन्यु ने भाई एक नॉक कर दिया है, तो अभी उस पे जाएंगे सीधा। कोरोना वायरस यहाँ पे शॉट्स लेने चाहते थे पर अभी झुक गए। और लंदन 07 भी यहाँ पे नॉक हो चुके, अभिमन्यु को नॉक कर दिया है RKOP ने, तो देखना पड़ेगा वो कैसा खेलते हैं। अभिमन्यु के ऊपर यहाँ पे रश इन होगा या नहीं। लंदन 07E नॉक फिट होते हुए और RKOP ने यहाँ पे रश कर दिया है अभिमन्यु के स्क्वाड के ऊपर, तो RKOP के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग जाएंगे और खड़े रह चुके हैं। यहाँ पे नेड करना चाहिए मेरे ख्याल से। और यहाँ पे 7 नंबर की भी स्क्वाड है, अभिमन्यु नॉक पड़े हैं और उनको आराम से मेरे ख्याल से पैन करेंगे या फिर फिस्ट मारेंगे, पिस्टल मारेंगे, क्या मारेंगे वो तो देखना पड़ेगा। पर उनको बचाने के लिए कोई आता है या नहीं, अभिमन्यु को फिनिश कर दिया है, तो अभी जान देखना पड़ेगा कि आगे की फाइट कैसे होती है। 5 नंबर की स्क्वाड की फाइट, 23 नंबर के भी बंदे यहाँ पे, 7 नंबर की भी पूरी स्क्वाड इधर है, तो ये फाइट काफ़ी ओपी होने वाली है, तो देखना जाएंगे। पूदेव क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतर रहे, नेड आ रहे हैं उनके ऊपर, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मेरे ख्याल से 7 नंबर की स्क्वाड की तरफ से। उनको नेड आ रहे थे, नॉक कर दिया है रावण ने यहाँ पे बुदेव को, तो अभी देखना पड़ेगा रावण और उनकी स्क्वाड यहाँ पे रश इन करेगी या नहीं। RKOP राइट साइड में बैठे हैं, तो उनका एंगल बहुत ही अच्छा है। स्काई बॉय यहाँ पे दिख चुके थे,
स्पॉट भी कर लिया था, सागवे के ऊपर शॉट भी पड़े, कोरोना वायरस फिनिश हो जाएंगे, पूरा व्यू था रावण का उनके ऊपर। तो आर के ओपी वहाँ से निकल चुके हैं और उनके ऊपर शॉट्स ले रावण और उनके बंदे, पर मेरे ख्याल से शॉट्स उतने कनेक्ट नहीं हुए। अभी तीन बंदे और ऑल पे आज भी कोई बोल रहा है, बुधे को रिवाइव मिल चुका है। अभी तीन बंदे की स्क्वाड और बाजू में है चार बंदे, तो 3v4 की ये फाइट होने वाली है। क्या ये फाइट्स लेंगे या फिर निकल जाएंगे? नेड आता हुआ इनके ऊपर और पीछे 25 नंबर की स्क्वाड भी आ चुकी है और ध्रुव की पूरी स्क्वाड यहाँ पे आ चुकी है और सैंडविच सिचुएशन में मेरे ख्याल से होने वाले है मौत की टीम, जो कि अभी बीच में फंसी हुई है। बहुत अभी के ऊपर भी यहाँ पे पूरे नेड्स वगैरह स्पैम कर रहे हैं बंदे और उसी तरफ ये स्क्वाड निकलने में कामयाब होती है ना। पीरो ने मौत अभी को नॉक कर दिया है, तो एक ओपनिंग मिल चुकी है उनको भी। तो यहाँ पे पुश होता है या नहीं, कोई बंदा उनको, भूदेव ने यहाँ पे मॉली डाल दिया है उसके ऊपर और मौत हर्ष की काफ़ी कम एचपी हो रही है और नॉक होने वाले ये बंदा भी। तो दो बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके और पीछे भी मॉली है, तो मॉली के द्वारा फिनिश हो जाएंगे या फिर 17 नंबर या 12 नंबर के स्क्वाड वहाँ से फिनिश करेगी वो देखना पड़ेगा। भूदेव ने फिनिश कर दिया है, तो देखना पड़ेगा। काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे लड़ रहे और ये टीम, ये 10 किल ये टीम्स के, और क्या ही बसड़ यहाँ पे, कितने सारे बंदे यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को। और 7 नंबर के स्क्वाड के 2 ही बंदे बाकी है, मौत अभी यहाँ पे फिनिश हो चुके और इनके ऊपर भी जाएंगे पीछे। ये व्यू हमको देखना पड़ेगा ताकि पता चलेगी कौन कौन से स्क्वाड कहाँ पे है। चारों बंदे यहाँ पे आ चुके हैं 5वां नंबर के स्क्वाड के और चार बंदे पीछे भी है और उनके पीछे SYM क्रेट OP है अकेले बंदे, तो चार बंदे यहाँ पे और 1v4 का ये सिनारियो है और क्रेट OP यहाँ पे नेड करेंगे या फिर क्या करेंगे देखना पड़ेगा। कोई नॉक होता है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। टॉक्सी उनके सामने से निकल चुके, तो अभी नीचे नेड डाला है, टॉक्सी की ऊपर चढ़ चुके थे तो कोई फटा नहीं और नेड छूट गया मेरे ख्याल से क्रेट OP के हाथ से। और अभी पहले जल्दी डाल दिया नेड कुक किए बिना, तो वहाँ पे भी हर्ष यहाँ पे नॉक हो चुके हैं मेरे ख्याल से। क्रेट OP यहाँ पे ऑल पे बात कर रहे और उनको फिनिश कर दिया है ध्रुव ने। यस मेरे ख्याल से क्रेट OP या उनकी स्क्वाड का कोई बंदा बात कर रहा था। NJ18 ने जेंडर को नॉक कर दिया है, तो NJ18 का POV दिखाएंगे उनके बंदे, वो और डोमिनिक, दो अकेले बंदे बाकी है। और पीरो ने भी एक बंदे को नॉक कर दिया है, आज 8 टीमें बची है, 24 बंदे जिंदा है और अपना ये 5th जोन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। सामने वाइल्ड किलर AP दिख रहे हैं और उनके ऊपर M1 के शॉट्स ले रहे हैं NJ18। पीरो ने यहाँ पे एक बंदे को MK14 से नॉक कर दिया है, तो जाएंगे सीधा पीरो के पॉइंट ऑफ व्यू पे और सीधा रश मार रहे वो स्क्वाड के ऊपर। और विंडो में एक बंदा दिख रहा था, तो पीरो ने वहाँ पे उसको भी नॉक कर दिया, एक अकेला बंदा और उनकी HP भी काफ़ी कम है और वो बचे ब्रो रॉक। और यहाँ पे मेरे ख्याल से वो ब्रो रॉक भी एंडी मार्कोस को नॉक कर दिया है और मेरे ख्याल से फिनिश भी करेंगे। ब्रो रॉक ने अपनी हेल्थ लगा दिया है और अंदर आके बादशाह के भी बादशाह यहाँ पे उनको फिनिश कर रहे हैं और ये स्क्वाड का भी खात्मा होता है। NJ18 को जोन के लिए निकलना है, बाजू में से उसका बंदा गाड़ी लेके भी आ चुका है। अभी मेरे ख्याल से 4 स्क्वाड जोन के अंदर है, बाकी बंदों को अंदर आना है, 6 टीम बाकी है, तो 2 टीम को अंदर आना है। मार्टिन के पास EWM है, जैसे ही हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था डबल रावण पे वो शॉट्स ले रहे थे पर वहां से लगा नहीं, कहीं और पे लगी, मेरे ख्याल से दीवार पे लगी थी वो गोली। और रावण वहां से पिक करेंगे या नहीं वो भी देखना पड़ेगा फिर से। तो जोन यहाँ पे साथ दे रहा है रावण के स्क्वाड का, मार्टिन ने रावण को नॉक कर दिया है, तो यहाँ पे पुश बनता है 4v3 का, ये पुश होने वाला है, उनको जोन में भी निकलना है और जोन साथ दे रहा है उनका। तो भूदेव यहाँ से फ्लैंक एंगल निकाल रहे हैं या फिर दूसरी तरह से जाने का ट्राई करेंगे। टॉक्सी वहाँ पे बैठे है, तो उनको पता चल चुका है कि वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, तो जैसे ही वो ओपन में जाएंगे उनको पढ़ने वाली है। तो अभी रशिन तो नहीं होगा पर रावण को यहाँ पे बचा लिया गया है और स्काइबर ने यहाँ पे स्क्वाड कर दिया है टॉक्सी को। टॉक्सी बाहर आए थे फिर से अंदर चले गए
और पीछे भी ये फाइट हो रही है। बादशाह की स्क्वाड 3 नंबर की स्क्वाड के ऊपर शॉट्स ले रही थी। ओपीएस डोमिनिक की काफ़ी कम एच पी बची थी और उनके बीच के भी बादशाह ने यहाँ पे AWM का शॉट लगाया और वो डोमिनिक की स्क्वाड को ख़त्म कर दिया है। अभी यहाँ पे फाइट हो रही है 5 नंबर की स्क्वाड की मेरे ख्याल से, और नेड कुक कर दिया है डब्ल्यू टॉक्सी के ऊपर, नहीं डब्ल्यू टॉक्सी के ऊपर नहीं, पर यहाँ पे उनके बंदे के ऊपर। मार्टिन नॉक हो चुके थे तो उनको रिवाइव दे रहे हैं स्काई बॉय, तो अभी उनको भी जोन में तो निकलना है। पीरो के बंदे वहाँ पे दिख रहे हैं और आरके ओपी शॉट्स ले रहे हैं, डीपी के टैप शॉट्स से यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं। कोई नॉक कर पाते या नहीं ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पे पुश होने वाला है, पुश नहीं मेरे ख्याल से बुधे पहुँच चुके हैं स्क्वाड हाउस के अंदर, तो पहले एक बंदे को नॉक करेंगे और बाद में पुश होगा। आजू बाजू में 2 घरों में बंदे, और भूदेव ने पहला नॉक निकाल दिया है, तो अभी तो ये पुश बनता ही है। तो भूदेव पुश मारेंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा। एक बंदा कूद चुका है, दूसरा बंदा भी कूद चुका है, तो यस स्काई बॉय आगे जा रहे हैं और भूदेव अभी आगे निकल चुके हैं और पीछे से उनके ऊपर शॉट ले रहे थे, पर भूदेव ने काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्स दिखा है। यहाँ पे ध्रुव को नॉक कर दिया पीछे घूम के, स्काई बॉय ने रावण को नॉक कर दिया है और ऊपर RKOP पहुँच चुके हैं। दो आर के ओपी ने मेरे ख्याल से पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर दिया है, तो रावण की यहाँ पे स्क्वाड का खात्मा होता हुआ। 2 टीम बाकी है, 7 बंदे अलाइव है और 4 vs 3 की फाइट। फिर से RKOP की स्क्वाड आज गजब ही खेल रही है। आज भी क्या विनर बन पाएंगे ये स्क्वाड या नहीं देखना पड़ेगा। या डॉक्टर शुभम की स्क्वाड जिसमें थे एरोटॉस, जिसने कल चिकन डिनर लिया था, तो यस एरोडॉस की स्क्वाड है। यहाँ पे एरोडॉस मर चुके हैं पर 3 बंदे अभी भी जिंदा है, तो क्या ये 3v vs 4 की फाइट निकाल पाएंगे ये बंदे या नहीं। इनको जोन के अंदर निकलना है। 5 नंबर की स्क्वाड के बंदे आ चुके हैं जोन में। आज भी भूदेव के 6 किल और ये टीम के 15 किल है, तो काफ़ी अच्छा डोमिनेशन देखने को मिला है ये स्क्वाड की तरफ से। 16 नंबर की स्क्वाड को जोन के अंदर आना है और डॉक्टर शुभम के आज 0 किल है, ऊंची लाइन के 5 किल है और XQF पैरा भाई के 4 किल है और शॉट्स ले रहे थे मेरे ख्याल से, गाड़ी को फोड़ दिया है, बस डाउन कर दिया है। और OG लाइन ने यहाँ पे एक नेड कुक किया है और स्काई बॉय के ऊपर डाला था, पर स्काई बॉय की हेल्थ यहाँ पे कम नहीं हुई। मेरे ख्याल से क्लोज होंगे या फिर थोड़े और दूर, और रिज के नीचे है स्काई बॉय। पीछे की तरफ देख रहे हैं कि कोई बंदा है या नहीं, वो चेकआउट कर रहे, तो अभी तक किसी ने किसी स्क्वाड को स्पॉट नहीं कर दिया है। और RKOP रिज के नीचे अभी तो है, तो काफ़ी अच्छी जगह पे सामने पूरे बंदे यहाँ पे ओपन में प्रोन डाउन है और रिज का कवर मिल रहा है RKOP के स्क्वाड को, तो एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज भी RK की स्क्वाड को। यहाँ पे स्काई बॉय मेरे ख्याल से थोड़े क्लोज दिख रहे हैं, पर वो राइट साइड से फ्लैंक एंगल दिखा रहे। लायन को यहाँ पे स्पॉट कर पाएंगे या नहीं डॉक्टर शुभम, और वो XQF पेरा वो यहाँ पे मेरे ख्याल से फर्स्ट शेड लगा रहे हैं, तो हिल बैटल कर रहे हैं और पीछे से RKOP का एक स्प्रे आता हुआ मर चुके हैं और यहाँ पे मैच का खात्मा। तो इसी के साथ RKOP की स्क्वाड ने चौथी बार ये वीक में, चौथी नहीं पांचवी बार ये वीक में मेरे ख्याल से चिकन डिनर निकला है, तो क्या ही OP खेल रही है। और इनको मुकाबला अभी तक सिर्फ 2 टीमें दे पाई है, एक बार एरोटॉस की स्क्वाड जो अभी दूसरे नंबर पे आई है, तो वो चिकन डिनर लिए थे और कल उनकी ही स्क्वाड ने यहाँ पे RKOP के स्क्वाड को मारा था। और RKOP के आज 6 किले, भूदेव के 6 किले और 3-3 किल मिले हैं मार्टिन और स्काई बॉय को। दूसरे नंबर पे एरोडॉस की स्क्वाड और उन एरोडॉस डॉक्टर शुभम ओजिलायन और XQF पैरा बॉय OP, उसमें से लायन के 5 किले और पैरा बॉय OP के 4 किल और डेविल शैलो और बाकी बंदे आप देख सकते हैं। ये स्क्वाड के भी 12 किले, डेविल शैलो के, बादशाह पीरो और आर बादशाह के। चौथे नंबर पे आती हुई रावण की स्क्वाड, वो भी 5 किल के साथ, ध्रुव के उसमें से 4 किल दे, बाकी देखना चाहेंगे कि कौन। ब्रो रॉक ने यहाँ पे 4 किल निकाले थे। 7वें नंबर पे आई उनकी स्क्वाड, 8 किल, ये SYN क्रोट OP के है, तो क्या ही अच्छा डोमिनेशन दिखने को मिला है। उनकी स्क्वाड से किसी का सपोर्ट नहीं मिला। 7 किल है UTGS OP का, मीथिक क्रेडल के 5 किल है और बाकी के देख सकते हैं आप लोग।
तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी मैं ये अपलोड करने वाला हूँ। और अगर देख रहे हो आप लोग ये वीडियो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, तो मिलते हैं कल विथ लाइव स्ट्रीम।